एक्सोलोटल एक अद्भुत जीव है जो जहरीला नहीं होता है और इसके कोई विष नहीं होते हैं। एक्सोलोटल खतरनाक नहीं होता है। यह एक शांत जीव है जो ज़्यादातर समय पानी में तैरते हुए और भोजन की तलाश में व्यतीत करता है। एक्सोलोटल का सबसे बड़ा रहस्य उसकी पुनर्जनन की क्षमता है, जिसे वैज्ञानिक चिकित्सा में उपयोग करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। एक्सोलोटल का विकास न होकर लार्वा अवस्था में ही रहता है, जो एक अन्य रहस्यमय विशेषता है जिसे न्यूटनी कहा जाता है। एक्सोलोटल मुख्य रूप से मेक्सिको में झील शोंचिमिल्को में पाया जाता है। एक्सोलोटल की पुनर्जनन क्षमता ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है, जिससे इसके अंगों की पुनर्जनन प्रक्रिया पर शोध किया जा रहा है। इसके अध्ययन से अंगों की पुनर्निर्माण और छोटों की चिकित्सा में नई खोजें संभव हो सकती हैं। एक्सोलोटल के अनूठे गुणों ने इसे जैविक शोध का एक महत्वपूर्ण विषय बना दिया है। इसकी विशिष्टता ने इसे संरक्षण के प्रयासों का केंद्र भी बना दिया है। एक्सोलोटल की कोई हमला शक्ति नहीं होती है। यह एक शांत स्वभाव का जीव है और इसका कोई आक्रामक व्यवहार नहीं होता। यह अपनी रक्षा के लिए किसी विष या आक्रमण का सहारा नहीं लेता, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने चारों ओर की दुनिया का सामना करता है। एक्सोलोटल का जीवन चक्र अंडों से शुरू होता है, जब मादा अंडे देती है, और कुछ हफ्तों बाद अंडों से लार्वा निकलते हैं। एक्सोलोटल अपनी लार्वा अवस्था में ही रहता है और इसमें पूर्ण रूप से विकसित होने की प्रक्रिया नहीं होती, जो इसे अनोखा बनाती है। इनका जीवन काल लगभग 10 से 15 साल तक होता है, जो इनके अद्वितीय विकास चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्सोलोटल पानी में रहता है और ताज़े पानी के क्षेत्रों में तैरते हुए अपना समय बिताता है। यह दिन और रात दोनों समय सक्रिय रह सकता है और अपने भोजन की तलाश में घूमता रहता है। एक्सोलोटल मुख्य रूप से कीड़े, छोटे मछलियाँ और पानी में रहने वाले छोटे जीवों का शिकार करता है।